हाय गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। आज वो लेकर चलने वाला हूँ हमारे बीकानेर की टॉप 5 कचौरी मेकर्स के पास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। अभी हम पहुँचे हैं जूनागढ़ के पास में और यहाँ से दोस्तों हम सबसे पहले जाने वाले हैं बीके स्कूल की फेमस कचौरी मेकर्स के पास में। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं पब्लिक पार्क और सामने आपको नज़र आ रहा होगा आई लव बीकानेर। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं बीके स्कूल की फेमस कचौरी मेकर्स के पास। बीकानेर में जब भी कचौरी का नाम आता है तो बीके स्कूल की कचौरी का नाम सबसे पहले आता है। और ये देखें, ये है वह बीके स्कूल और यहाँ पर ये पास ही में आपको दिखाई दे रहा होगा लक्ष्मण चाट हाउस। ये काफी सर कितने टाइम से है ये आपका शॉप? 50 साल से। और 50 साल से एक ही टेस्ट है आपके शॉप? क्या क्या है यहाँ पे आपके? यहाँ पे कचौरी है, समोसा है, दही बड़ा है, लच्छी बड़ा है, पनीर कोफ्ता है, ब्रेड बड़ा है, पकौड़ी है, दाल की मटर है, नमकीन है और याद कचौरी है जो भी शुरुआत की है। मैं 10 सालों से आ रहा हूँ। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई? पिताजी ने की थी। ये दूसरी पीढ़ी सुबह तो साढ़े डालिया, ये सब्जी है, ये दही है, कितने टाइम से आ रहे हो? 17 साल। 17 साल से आप यहाँ रहे होंगे। आप देखे दोस्तों और यहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं चाय पट्टी की फेमस चाय पट्टी, जोरदार है, सबसे फेमस दुकान जूनिया महाराज जी है। क्या दही बड़ा जूनिया महाराज तो मिलता है उधर जूनिया महाराज, आप उसको जाके। चाय पट्टी है वो बूढ़े बड़ों का, ये सट्टा बाजार था पहले तो। ये दोस्तों जूनिया महाराज की दुकान, यहाँ पर कचौरियाँ रेडी हो रही है। जूनिया महाराज की दुकान ही तो ये देखे, गर्मा गर्म कचौरियाँ निकल रही यहाँ पर। ये आप क्या बना रहे हैं? ये कचौरी की दाल है, मैं जूनियर महाराज का भाई हूँ। ये 52 साल ओल्ड दुकान है। कितनी दूर पुरानी है? 52 साल नहीं, ट्रेंडिंग 15 पैसे कचौरी थी तो भी ये माल था, आज 15 रुपए कचौरी है तो ये माल है। और सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे बीकानेर की सबसे ज्यादा फेमस छोटू मोटू जोशी के यहाँ पर। दोस्तों ये करीब 120 साल से भी ज़्यादा पुरानी होगी और दोस्तों इनके जो फूड आइटम है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और ये करीब 120 साल से एक यूनिक ब्रेकफास्ट रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कचौरी बन रही है अभी। भाई मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखा है तो आप वहाँ जाकर पूरी डिटेल में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको राजभोग, जलेबी और ये विशेषकर इनकी मेथी वाली जो सब्जी थी देसी घी की, और यहाँ पर आपको इनकी लस्सी का भी आनंद जरूर लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेश दाल से यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो यहाँ पर अभी कचौरी रेडी नहीं हो रही है, तो अभी रेडी होने वाली है। तो देखिए क्वांटिटी देख सकते हैं और सिर्फ सुबह 6 से लेकर आपको 7 बजे के बाद में इनकी कचौरियाँ नहीं मिलेगी दोस्तों। तो देखिए गर्मा गर्म जलेबी। और ये शॉप की शुरुआत जो की थी छोटू लाल जोशी और मोटू लाल जोशी, दो सगे भाइयों ने, और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये महाराजा बीकानेर के जो किंग थे उनके यहाँ पर भी प्रोग्राम में खाना बनाने जाया करते थे। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक ब्रेकफास्ट रखते हैं, आपको यहाँ पर भी ट्राई करना चाहिए और अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। देसी घी का आनंद आपको ज़रूर लेना चाहिए। देखिए जलेबियाँ निकल रही यहाँ पर और यहाँ पर आपको सेटिंग व्यवस्था भी ज़रूर मिल जाएगी। देखिए अंदर इन्होंने सेटिंग की व्यवस्था कर रखी है और सो गाइस, अब हम यहाँ से चलने वाले हैं पवनपुरी की तरफ जहाँ पर ये अलग ही नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ बीकानेर में वैन में कचौरी लगाते हैं, बहुत बड़ी साइज की इनकी कचौरी है। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। तो ये क्या वैन में अलग कॉन्सेप्ट लेके आए आप? क्या वैन में बनाता है अलग दिखना था? ठीक है, तो ये भैया क्या स्पेशल क्या है आपकी कचौरी में? बहुत बढ़िया स्वाद लग रही है। बहुत बढ़िया। मसाला क्या रहता है आपका? मसाला बहुत लाइट रहता है एकदम। अच्छा, लाइट रहता है। लोग आपके यहाँ तारीफ कर रहे हैं काफी?
और लोगों को काफी मजा आ रहा है खाने में। तो ये क्या मसाला किस चीज का होता है आपका? मसाला दाल का होता है। दाल का प्योर मसाला है ये मसाला है? ये प्याज का है, आलू और प्याज। अच्छा, और ये क्या चीज है भैया? ये दाल का मसाला है। ये दाल का मसाला है और वो प्याज का, प्याज की कचौड़ी का मसाला। ये कड़ी चटनी, ये आप कड़ी भी साथ में देते हैं? गर्मा गर्म कचौड़ी। तीन जगह दे दो, दे रहा हूँ मैंने। दो साहब मोगर की दाल, मोगर की दाल। डेली खाने के लिए आते हैं यहाँ पर। अच्छा, कितना कचौड़ी बीकानेर की सब फेमस कचौड़ी उत्तम जी की है। जैन कॉलेज के सामने रुस्तम भाई की। कितने साल हो गए आपको कचौड़ी खाते हुए? मेरे को 30 साल हो गए यहाँ से, वहाँ पुरानी दुकान से चालू है हम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम है, दुकान पापा जी के नाम, अकबर जी की दुकान के नाम से चलती है। कितना टाइम हो गया? लगभग नमकीन के काम को 40 साल हो गए। अच्छा, और हमारी छोटी बेटी तैयारी पर है काम करने के लिए यहाँ। स्पेशल क्या है आपका ये यहाँ पर? क्या इसने दाल क्या स्पेशल है? इतनी भीड़ कैसे लगी ली? तो एक तो हमारे यहाँ शुद्धता है हर चीज की। अच्छा, और क्वालिटी है एक नंबर वन है तो नहीं हटा हुआ है। बताओ 10 बजे 4-5 को बछड़ी मेरे दिन में कोई शिकायत नहीं है। हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इनके अलावा बीकानेर में कौन है ऐसा कचौरी मेकर जो काफी ज्यादा फेमस है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर